माय यूट्यूब चैनल अनफिट पुष्पा। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पर। तो मैंने किया 4 महीने में 20 kg फैट लॉस, कैसे? वही तो बताने के लिए मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे वर्कआउट और डाइट के बारे में। मैं आज आपको एक ऐसी डाइट बताऊंगा जिससे आपका 20 kg लॉस वो भी 4 मंथ में कम्प्लीट हो। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको आज डाइट प्लान बता ही देता हूँ जो मेरा सीक्रेट था फैट लॉस करते टाइम। तो चलिए पहला सीक्रेट आपसे शेयर करता हूँ। सुबह उठ के आपको पीना है सुबह सुबह 1 लीटर पानी, बिना ब्रश किए, बिना बाथरूम जाए। तो इससे क्या होगा, आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो मेटाबॉलिज्म आपका 10 दिन में बूस्ट होगा और वेट लॉस करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। यही था मेरा सीक्रेट नंबर 1। मैं हर दिन सुबह उठ के 1 लीटर पानी हर दिन पीता था। आप भी पीजिए, 10 दिन ट्राई करके देखिए, आपका मेटाबॉलिज्म जरूर बूस्ट होगा और वेट लॉस में भी आपको हेल्प होगी। सेकेंड सीक्रेट ये है कि वर्कआउट से 30 मिनट पहले आपको लेनी है ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी लेने के बाद ही आपको वर्कआउट करना है। जब आप ब्लैक कॉफी लेने के बाद वर्कआउट करोगे तब आपके अंदर बहुत एनर्जी होगी। मैं भी यही किया करता था पहले। वर्कआउट के पहले पानी में ब्लैक कॉफी डालनी है आपको, उसे पीना है। आपके वर्कआउट में 2 घंटे तक एनर्जी रहेगी और आप कमजोर नहीं होंगे वर्कआउट के टाइम। चलिए अब बात करते हैं तीसरे सीक्रेट की। तीसरा सीक्रेट मैं आपको बता ही देता हूँ। तीसरा सीक्रेट ये है कि मेरी डाइट मैं आपको आज शेयर करूंगा। डाइट का यूज करके मैंने 20 kg वेट लॉस किया। चलिए शुरू करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ डाइट मेरी। तो सुबह उठ के मॉर्निंग में आपको पहले बिना ब्रश किए, बिना बाथरूम जाए 1 लीटर से आधा लीटर आपको पानी पीना है, नॉर्मल पानी। अभी बात आती है ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में आपको क्या क्या खाना है मैं आज आपको सब बता दूंगा। वो आपके बजट में भी होगा, आप ट्राई जरूर करके देखिए। मैं आपके लिए बहुत ही सस्ते बजट वाली डाइट लेकर आया हूँ। 200 से 300 रुपये होगा हमारे मंथली डाइट का कॉस्ट। तो चलिए अब बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट में खाने है आपको 50 ग्राम ओट्स ट्राई कर सकते हो। अगर आपके पास ओट्स नहीं है तो आप पोहे खा लो, और अगर आपके पास फ्रूट्स है तो कोई भी 2 फ्रूट सुबह खाली पेट खा लो। यही होगा आपका ब्रेकफास्ट। और अगर आपको ब्रेकफास्ट करने के बाद भूख लग जाए तो आप कोई भी एक सीजनेबल फ्रूट खा सकते हो। तो चलिए अभी बात करते हैं हम लंच की। तो लंच में लेना है आपको 2 से 3 चपाती। चपाती मतलब रोटी, 2 से 3 रोटी लेनी है आपको। उसके बाद लेना है कोई, तो उसके साथ आपको लेनी है 1 बाउल दाल। कौन सी भी दाल लो आप चलेगी। दाल की जगह आप रिप्लेस कर सकते हो सोयाबीन। अगर सोयाबीन नहीं तो अंडों से रिप्लेस कर सकते हो, चिकन से कर सकते हो, लेकिन आपको कम क्वांटिटी में खाना है। ये समझ के खाओ कि आप डाइट कर रहे हो। और अगर आपके पास फूड वेट स्केल है तो आप चिकन 150 ग्राम, 150 से 200 ग्राम खा सकते हो। बॉइल्ड एग आप 5 खा सकते हो लंच में। चलिए तो हमारा लंच तो हो गया, अब बात करते हैं हम प्री वर्कआउट। प्री वर्कआउट आप घर पे ही वर्कआउट करते हो तो आपको लेना है एक ब्रू कॉफी, मतलब एक ब्लैक कॉफी लेनी है। उसके साथ लेना है कोई भी एक फ्रूट। अगर आपके पास फ्रूट नहीं है, पीनट बटर अवेलेबल है तो आप पीनट बटर रोटी पर लगा के आप खा सकते हो। अगर आपके पास ब्रेड है तो आप ब्रेड पर भी लगा के खा सकते हो। अब हम बात करेंगे पोस्ट वर्कआउट मील। पोस्ट वर्कआउट मील बहुत ही जरूरी होता है आपके वेट लॉस और फैट लॉस के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। जब आप आपके मसल बिल्ड करना चाहते हो तभी तो बहुत ही जरूरी होता है आपका पोस्ट वर्कआउट मील। तो पोस्ट वर्कआउट मील में आपको मैं बताऊंगा, अंडे खा लो या पनीर खा लो, चिकन खा लो, और तो भी पी सकते हो। अब बात करते हैं हम डिनर। डिनर आपको करना होता है बहुत ही लाइटली, जो पच सकता है वही खाना है रात को, और ज्यादा नहीं ठूसना है, थोड़ा कम क्वांटिटी में खाना है। आपको डिनर बताऊंगा वही खा लो आप। एक बात, एक टिप दे दो आपको, डिनर आपको 8 बजे से पहले करना है ताकि वो अच्छे से सुबह तक पच जाए। डिनर में लेना है आपको 2 रोटी, 50 ग्राम सोया चंक्स, और उसके साथ लेना है 100 ग्राम कर्ड। इसी डाइट का यूज करके मैंने किया था 4 महीने में 20 kg वेट लॉस, और वेट लॉस के साथ मैंने मसल भी गेन की थी इसी डाइट प्लान के साथ। अगर आपको भी करना है तो इस डाइट प्लान को आप फॉलो करो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।